नमस्ते दोस्तों, आज आप सबके लिए मैंगो शेक लेकर के रेसिपी में आए हैं। क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं और आम का सीजन है, तो बिना मैंगो शेक के कैसे मज़ा आएगा। सबके ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक होना चाहिए ना गर्मियों में। और अगर ब्रेकफास्ट में नहीं मन करे तो आप दोपहर में भी पी सकते हैं और शाम को भी पी सकते हैं। इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इसके लिए ये मैंने आज का सबसे पहले गर्मियों में यही वाला आम आना शुरू होता है, दशहरी आम से भी पहले। अब आप बताइए या दोस्तों कमेंट में कि ये कौन सा आम होता है। ठीक है, आप एक सवाल आज आप लोग को दिया कि ये कौन सा आम होता है, आप ये बताइएगा। मैं लखनऊ से हूँ और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आप सबका धन्यवाद तो कम से कम मैं कर सकूँ। कि जो लोग मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इसलिए। तो दोस्तों ये देखिए आम ले लिया है और इसका एक आम जो है बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का आता है। तो इस एक आम में कम से कम 5 गिलास 4 गिलास आराम से मैंगो शेक बनता है। क्योंकि जब इसको आप बनाएंगे ना तो इतना गाढ़ा गाढ़ा इतना टेस्टी बनता है ये मैंगो, इस वाले मैंगो का शेक, कि आपको क्या बताएं, बहुत अच्छा बनता है। जबकि दशहरी आम का शेक दूसरे तरीके का बनता है। और इसका जब भी आप लोगों ने देखा हो ना दोस्तों, बाजार में भी सब जगह मिलता है ना, जूस कॉर्नर वगैरह में भी इसी वाले आम का इस्तेमाल किया था मैंगो शेक बनाने के लिए, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि हम लोग क्या तो यही वाला देखा है, हम लोग लखनऊ और यूपी साइड के हैं तो यही वाला देखा है इसलिए। तो दोस्तों आप बना करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है मैंगो शेक इसका। हमने सोचा आपको भी बताते चलें कि हम भी पियेंगे, आप भी पीजिए और गर्मियों में ताजगी महसूस कीजिए, ठंडा ठंडा पेट में लगे कूल कूल। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ तो 42 डिग्री से भी ऊपर 43 डिग्री तक जा रहा है। आप लोगों का कितना जा रहा है ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ, जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़ा है उनकी लाइफ में। लेकिन हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है दोस्तों। तो चलिए गर्मियों को छोड़ते हैं, हम अपने लिए कुछ ठंडा ठंडा करते हैं और मैंगो शेक बनाते हैं। मैंगो शेक में आम को हमने छोटा छोटा सा काट लिया पीसेस में, ये देखिए। अब हमने मिक्सी के जार में बर्फ़ के टुकड़े पहले डाल दिए हैं, साथ में मैंगो डाल दिया है। बर्फ़ के टुकड़े डालने से ना दोस्तों, एक तो इसका कलर नहीं जाएगा आम का, जिस कलर में बना रहे हैं इसी कलर का बन करके मैंगो शेक तैयार होगा। और साथ में चीनी, क्योंकि ये वाला आम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे। क्योंकि मैंगो शेक और ठंडी चीज़ जब भी पियेंगे तो थोड़ा सा मीठापन होना चाहिए उसमें, तब अच्छा लगता है पीने में इसलिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है, शुगर की प्रॉब्लम है या है ना, तो वो लोग चीनी ना डालें, वो लोग अपना ऐसे ही आम को ही पीस करके उसमें दूध मिला करके आराम से पी सकते हैं। तो हल्का मीठा लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा, वो एकदम नेचुरल मिठास हो जाएगी। और ये है थोड़ा सा मीठा पीने वाले लोगों के लिए, कि जो लोग मैंगो शेक मीठा पीते हैं ठंडा ठंडा, उनके लिए। अब हमने इसमें दूध डाल लिया है, तो ये हमने एक बड़ा ग्लास भर करके दूध डाल लिया है। और अभी देखिएगा इसको पीस करके देखते हैं कि कितना सारा हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा सा हो करके तैयार हो जाएगा। और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा बनता है दोस्तों ये। आप एक बार नीचे से इसको चला लेते हैं। पहले देखिए हमने चीनी और शेक को और बर्फ़ को, मतलब चीनी को और मैंगो को बर्फ़ को एक साथ फेटा था, और फिर दूध डाल के फेटा। ये देखिए और कितना गाढ़ा होगा, अब इतना गाढ़ा तो कोई नहीं पी सकता मैंगो शेक, है ना दोस्तों। तो अब इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। लेकिन हमारे पास दूध था तो हमने दूध का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन दूध भी बहुत गाढ़ा, क्योंकि मेरा फुल क्रीम दूध रहता है अमूल का, बहुत गाढ़ा रहता है। अगर आपके पास भी यही हो, आप अगर चाहें थोड़ा सा पतला पसंद करते हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इस शेक की उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। साथ में बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये देखिए शेक बन करके इतना बढ़िया तैयार हो गया। अब इसका जो लिक्विड दिखेगा ना आपको, वो एकदम लगेगा कि हाँ पीने के लायक तैयार हो गया मैंगो शेक। और मैंगो शेक तो सभी लोग बना लेते हैं दोस्तों, सभी बनाते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए बर्फ़ थोड़ा सा डाल लिया है, बर्फ़ भी आपको जितनी आवश्यकता हो आप उतना डालेंगे। और साथ में ये मैंगो शेक डाल दिया ग्लास में, और देखने में ये कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। अब वैसे तो ये मैंगो शेक बन करके तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें आप बच्चों के लिए दे रहे हैं, किसी गेस्ट के लिए दे रहे हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम डाल दीजिए ना दोस्तों मैंगो शेक में ऊपर से, तो वाह हाँ, क्या मज़ा आ जाएगा ना। जो भी पिएगा, जो भी इसको
पिएगा या खाएगा जैसा जिसका दिल करे। और इसमें थोड़े से हमने बचे हुए मैंगो के टुकड़े, आम के टुकड़े डाल दिए हैं दोस्तों। ये कितना बढ़िया बन करके एकदम लजीज तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरा चैनल है कविता देसी किचन, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कविता देसी किचन, और एक बार इसका लुत्फ़ उठाइए इस मैंगो शेक का। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।